उतना अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूं जब भी शुरू किया जाए वो भी अच्छा है। क्योंकि मेरे साथ ये घटित हुआ है कि 1.5 साल पहले मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, वो सारी मेरे घर की प्रॉब्लम्स वगैरह सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया करते थे। हमारी एक ज्वाइंट फैमिली है, वो हेड ऑफ की फैमिली थे। लेकिन 1.5 साल के बाद में जब एकदम से प्रॉब्लम सामने आई तो एकदम से मैं एकदम फायर फाइटिंग सिचुएशन में आ गया था। तो जैसे हम कॉमन किसी एक फंक्शन में मिले तो राहुल मिला मेरे को, उसने कहा कि भैया मेरे साथ ये प्रोग्राम आप ज्वाइन करो, अच्छा रहेगा। मैंने कहा राहुल मेरे को तो सब कुछ पता है, तुम क्या बताओगे मेरे को, कहीं एक बार आप ज्वाइन करके देखो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मैं अभी कहना चाहूंगा कि मैं वेरी मच थैंकफुल टू राहुल कि उसने मेरे को ये प्रोग्राम मेरे को कराया। और इसके बाद में फाइनेंशियली तो मैं काफ़ी मेरे को हेल्प मिली कि मेरे को अपने बिजनेस वगैरह के अंदर मेरे को हेल्प मिला। लेकिन जो 6 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, जैसे फैमिली एंड होम, मेंटल एंड एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ, फाइनेंशियल एंड कैरियर, स्पिरिचुअल एंड हेल्थ एंड सोशल एंड कल्चरल, इन सब एस्पेक्ट्स में मेरे को बहुत फायदा हुआ। और हर चीज़ में मैंने कुछ पढ़ा। मैं अब ये नहीं कहूँगा कि ये कैसे पढ़ा रहे हैं कैसे, वो सब कुछ डिस्कस हो चुका है। मैं अब सिंपल से ये बताऊँगा कि मेरे को क्या क्या फ़ायदे हुए। कि मेरे को सबसे पहले तो मेरे को पता लगने लग गया कि मेरे साथ क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। हर चीज़ को मैं ट्रैक और उसको मैं करने लग गया कि हाँ ये सही जा रहा है ये गलत जा रहा है। जहाँ जहाँ मेरे को दिक्कत होती थी मैं ट्रैकिंग करके उसको अपना फ़ायदा कर लेता था। और गोल सेटिंग नहीं होती थी, जो हो रहा है होने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। तो इस प्रोग्राम में आने के बाद में मेरे को गोल सेटिंग, डिटर्मिनेशन सबका उसमें जानकारी मिली, और कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है इसकी भी जानकारी रही। और जो अभी डिस्कस हुआ कि COI और COC के अंदर जो कंसर्न है, डिफरेंस रखना है कि अपने आप को CIOI में रखना है और COC से दूर रखना है, तो उससे भी मेरे को बहुत हेल्प मिली। और जो एक स्लाइड है जो हम कई बार डिस्कस करते हैं कि जरा सा एक हल्का सा एफर्ट और करने पे हम उस टारगेट के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो वो स्लाइड एज की जानकारी, जैसे मैं कहता हूँ मेरे को सब पता है राहुल क्या बताओगे, लेकिन जो स्लाइड एज है, जैसे मैं तो हीरा था लेकिन तराशा हुआ नहीं था, तो तराशने का काम यहाँ पे किया गया जिससे उसमें चमक आई और मैं आज अपने आप को एक सक्सेसफुल की लाइन में खड़ा पाता हूँ। और